क्यों मास्क पहनूं, सांस लूंगा, ये पहनूंगा ना मुझे सांस नहीं आएगा। मुझे तो आ रहा है। आपको आ रहा है ना, आपने मजबूरन लिया हुआ है, आपने मजबूरन लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी सोच बना दी इन्होंने, चीज को बेचने के लिए ना, प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने आपको दे दी हुई है। बात समझे वाले भाई जी, कैसे ऐसे ले लो जिन्होंने बंद करवाया ना उनसे वापसी। भाई इनकी अपनी फैक्ट्री है, अपने सोर्सेज, अपनी चीजें बेच रहे हैं। आप देख लें, इस मास्क के पीछे भी कोई ना कोई बड़ा अफसर बैठा होगा, कोई ना कोई सरकारी इदारा बैठा होगा, कोई ना कोई बन के आ रहा होगा। चीनी के पीछे, गंदम के पीछे क्या क्या छोड़े सबके पीछे कोई ना कोई बैठा हो। मेरी सुने बात, चीनी गंदम की बात ना करें, वो सब इनकी बाहर जाती है। आपने वैसे मास्क क्यों पहन लिया? प्रॉपर्टी डीलर ये है, बुजुर्गों से मैं तो मास्क खरीद सकता हूँ बेटे, मैं तो ले सकता हूँ। अच्छा पहना क्यों वैसे आपने? मैंने पहना हुआ है इसलिए कि ये स्मोक बड़ा है ना, खतरनाक है, बड़ा स्मोक है। मियां जी मन दसो ना, सारा दिन बड़ी उड़ते बह के तुम कारोबार कर रहे हो, स्पॉन्सर मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं कारोबार कर रहे हो, जिंदगी की बड़ी मुझे जरूरत है। मियां जी पाक इसको अदायत, मियां जी सदा जिंदगी दुनिया ते नहीं रहना, जो लगा देखो बड़ी भी आते ना उम्र, अरे बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो आपको मास्क दिलवा रहे हैं। आजकल की जिंदगी मेरी बात, 60-65 साल उत्ते बोनस है आज, तो सही उनके सुनना ही नहीं है, मैं तो सही मेहरबानी है, मास्क ले लो, आपकी जिंदगी की बड़ी जरूरत है, जो नहीं लगाने देते उनसे ले लो। नहीं नहीं नहीं, हम मास्क दे दूं। देखे जी मास्क लगाए सर, मिल गए वो कह रहे हैं मैं ले दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपकी जिंदगी की बड़ी जरूरत है। मैं परफेक्ट हूँ सर, मैं 47 इयर्स का हो गया हूँ, माशाल्लाह फिर भी फिट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझसे दौड़ लगा लें, क्षमा से मजाक से, मैं वापस आ जाऊंगा, पैदल जाके पैदल आ जाऊंगा, बात नहीं ले लें आप। हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, ये मिट्टी भी अल्लाह की है, मर के मिट्टी में जाना, मिट्टी से बना हुआ। भाई आपने टाइम पे जाना, पहले क्यों जा रहे हो आप? भाई ये तो अल्लाह को पता है कौन पहले जा रहा है। बीमारी बड़ी चली भाई है। ये नहीं है बीमारी, नहीं है ये बीमारी जी, सर्दी है, आपने जैकेट पहना है हिफाजत के लिए, मास्क हमारी हिफाजत के लिए सर, ऐसा ही ऐसा ही बच्चे बात सुने। आप मुझे साबित करके दें कि ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, बताए ना, एक पर्दा आपने लगाया हुआ है, आप तो सही तरह से सांस नहीं ले रही। मैं सही सांस ले रही हूँ भाई जी, तो फिर मुझे ऐसे रहने बेटे, मानता ये सही करता है, ये सही का आपको सही सांस आ रही है ना, ये बात बिल्कुल नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता। मास्क पहन, मास्क दिखा रहे हैं जो इसको कहना मास्क लगाए तो ये गाल फट जाता है बिल्कुल। बाकियों पे जिम्मेदारी हम डालते हैं कि उसने नहीं पहना, उसने नहीं पहना, उसने नहीं है, ये आवाम नहीं है, क्राउड नहीं है, ये भी तो आवाम हूँ, ये भी तो आवाम है। बंदों ने मास्क पहन लिया और बाकी 15 बंदों ने पहले ये दुकानदारी मत चमकाए, हमने मास्क नहीं पहनना, हम रिजेक्ट करते हैं मास्क को। दुकानदारी नहीं चमका रहा है, वो आपका तफस बता रहे हैं कि आपका तफस नहीं है। अच्छा ये हमें अंधा बना के पट्टी बांध के अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। मास्क पहले से सांस उठ जाता है, नहीं सांस नहीं आता दोबारा, सांस बंद होती है, सांस आता ही मास्क पहनने से, मुझे तो स्मेल आने लग जाती है मास्क पहनने से। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जरूरत नहीं है, आज जॉब पे नहीं गए, कहाँ घूम रहे? मैं यहाँ पे गया था, मैं इससे गजमते के पास काम गया था, एक ऑफिस के काम से गया। बाइक चलाते? हाँ जी। मास्क? नो नो मिस, मिस मास्क पहन के मैं मुझे घुटन होने लग जाती है, सांस नहीं आता मेरा सही से। जी गवर्नमेंट कह रही है बचा लें, हिफाजत करें अपनी, स्मोक बहुत है, लोग बीमार हो रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जुम्मे हफ्ते को गवर्नमेंट छुट्टी दे रही है, हफ्ता इतवार को, क्या बाकी 4 दिन स्मोक नहीं आ रही? तो क्या सारा हफ्ता छुट्टी दे दें फिर भी आपने नाराज होना है? नहीं तो कर दें छुट्टी, हफ्ता भी छुट्टी ना दें फिर। उन्होंने फकीर बनाना है, जैसे खुद फकीर बने हुए ना, बाहर से पैसा आता है मांगते हैं और अपने जेबे भरते हैं निकल जाते हैं टोले सारे। अब देखा 38 करोड़ का उसने वो फ्लैट खरीद ली है दुबई में, वो मुझे बताएं जिसकी वालदा नर्स हो और बेटी उसकी, ये इनके घर में काम करके कहाँ पे उनको वजीरे दिया है 38 करोड़ में, 54 के मुंह वाली के पास कैसे आ गया? पहले ये इत्तेसाब करें ना, फिर मास्क हमें पहना दीजिएगा, हमारे मुंह बंद करवा दीजिएगा मास्क पहना के, हम बोले ही ना, आवाम अंधी हो जाए, गूंगी बहरी हो जाए, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, ये कैसी हुकूमतें हैं? पर इनका भी साथ लोग है। मिशन ये मास्क है। को गोली मारे, असल बात करें ना, असल मुद्दे की तरफ आए, 38 करोड़ रुपया सारी जिंदगी हमारे अबाओ अजदाद भी काम करते ना, 38 करोड़ नहीं इकट्ठा होता, ये 2 माह में, 6 माह में, साल में इकट्ठा हो जाता है, कैसे? मेरे बेटे आप सियासत की तरफ चले जाते हैं, सियासत ही है ये, मास्क नहीं ये सियासत ही हो रही है, ये मास्क नहीं है सियासत हो रही है। कितने लोगों ने मास्क पहना, कैमरा घुमाए ना,
इधर ही फोकस है, सबको घुमा के कितने बंदे ने मास्क लगाया हुआ है। बच्चे की जिंदगी की बड़ी जरूरत है। पीटी वाले कहीं और बैठे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं साहब की बात सुन लीजिए साहब, वो बेचारे चाहते हैं कि इस बच्चे की जिंदगी की बड़ी जरूरत है, बाकी इंसान नहीं है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आप लोग रोशन ही है, ईमान ताजा हो गई है, नजरिए मिल गए, सोच मिल गई है, जाग गई है पूरी कौम, 70 साल से सोई भी थी, जाग गई है। इमरान भाई ये इधर नहीं बिकेगा मास्क। अच्छा इमरान नहीं बिकेगा। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आराम से बात करें, मैं पूरा टाइम दे रही हूं। इमरान के अंदर आ गया, हर चौथे बंदे को देखें उसके अंदर गुस्सा ही है। अगर आप ऐसे मास्क पहन लेते हैं तो आप लोग किए ना, जिनके रोजमर्रा के कारोबार रोज कमाएंगे तो खाएंगे, अगर तुम उनको बंद कर दोगे वो खाएंगे। एक मिनट, आप कह रही हैं कि मास्क पहन ले, हमने पहन लिया तो दादा 20-20 मिनट कह रही है ना, शुरू करते फिर इसमें मास्क हुकूमत का क्या लिंक है इसमें? और मास्क कहाँ से आ रहे बेटे? मास्क हुकूमत का कोई लिंक नहीं, ये आपकी जिंदगी का तहफ्फुज़ है। अगर हुकूमत कह रही है मास्क पहने तो हुकूमत टीवी पे ऐलान कर मास्क फटी है, जो पैसा देगा उस पे जानता हूँ। ये देखें, ये अपना हुआ है शहबाज शरीफ, पैसे दे गया हुआ है, सच नहीं उस तरफ नहीं आएंगे, आवाम को समाओ की तरफ डालेंगे, आवाम को फलानी चीज की तरफ डालेंगे, असल मुद्दे की बात नहीं करेंगे। वो लिफाफा सियासत ने देखे, वो सबको लिफाफा सहाफत को बना, कोई अब खबरों में देखो उनके खिलाफ कोई असल बात नहीं करेंगे। यार अब मास्क पहन लें, स्मोक बहुत हो गई है, क्या उनको वो उनको तरीकाकार कोई नहीं मिल रहा, तरीका कोई नहीं मिल रहा कि उनको आवाम को ना तुन दे घरों के अंदर ही, बाहर निकले कोई ना भाई, स्मोक है, कुछ भी ना करो।